हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय राहुल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके सो गाइस, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो काफ़ी टाइम बाद मेरा चेहरा इस चैनल पे। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरी सिस्टर की मैरिज थी जो कि मैं कंप्लीट करके जस्ट आज वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और मेरी मतलब कैमरे से बात करूँ तो मतलब इतना वो पहले वाली बात ख़त्म होगी, मतलब जो प्रॉपर बोलता था वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बातें आगे करते रहेंगे प्रॉपर वीडियो में, ठीक है। और आज की बात करते हैं, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। सो हम लोग आज बात करेंगे ओजीबा प्लांट बेसिड बायोटिन, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या होता है एंड इसके रिजल्ट क्या है और कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और मैं इसको लास्ट एक मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और मैं वैसे भी कोई ऐसी मतलब फ्रॉड चीज़ का ये नहीं करता अपने चैनल पे, मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर ट्राई करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। सो चलते हैं, देखते हैं। ओके सो गाइस, ये जो बायोटिन है ये प्लांट बेस्ड बायोटिन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लीजिए, सुन लो। एंड ये फॉर बेटर हेयर ग्रोथ, स्किन, नेल हेल्थ, इन तीनों चीज़ों के लिए बनाई गई है। हेयर ग्रोथ लाइक जैसे कि आपके हेयर झड़ रहे हो, काफ़ी हेयर फॉल हो रहा हो आपके हेयर, और मतलब काफ़ी कर्ली टाइप के हो गए हो, आपकी हेयर की जो लेंथ है वो गिर गई हो, आपके हेयर ग्रो नहीं हो पा रहे हो, सो उस चीज़ के लिए बायोटिन आप इनटेक कर सकते हो। दूसरा है स्किन, स्किन की जो टेक्सचर होती है लाइक आपकी डल सी स्किन रहती है, ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी स्किन रहती है, रुखी रुखी सी, सो उस चीज़ के लिए आप इसको ले सकते हो प्रॉपर। एंड विटामिन जो होते हैं B2 और H को कहते हैं, आई थिंक ऐसे होता है, ठीक है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, जितना मेरे को है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो स्किन के जो टेक्सचर को बेटर बनाने के लिए, ग्लो बनाने के लिए इस वाइटमिन को आप इनटेक कर सकते हो। नेल हेल्थ गाइज, जैसे कि आपके नेल जो होते हैं साइड से जो स्किन ना वो निकलने लग जाती है, एंड उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खून भी आता है, ब्लड भी बाहर आता है, सो उस चीज़ के लिए भी आप इसको इनटेक कर सकते हो। जिसके नेल मतलब गाइज अजीब से होते हैं, थोड़े से कटे कटे से, सो केस में भी आप इसको इनटेक कर सकते हो। अब बात करते हैं ये बना कैसे है, ठीक है। ये इसमें खास फ्लावर होता है जिससे आपके हेयर शाइनी और हेल्दी हो जाते हैं, और उसके साथ में आपके स्किन को जो है ना ग्लो होने में भी हेल्प मिलती है। अब आपके हेयर कैसे हेल्दी होंगे, जैसे कि आपके हेयर शाइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शाइनिंग होते होते आपके हेयर की जो लेंथ है वो मजबूत हो जाएगी, आपके जो स्कैल्प हैं वो प्रॉपर अच्छी तरह अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपकी जो हेयर है वो अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड चीज़ है स्किन, जो स्किन है आपको वो बाहर से अच्छी लगेगी, मतलब देखने में एक नंबर, और जो आपकी स्किन का टेक्सचर है और जो आपके स्किन का जो स्कैल्प होता है वो उसको प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा, कोई मतलब आपके फेस पे इतना हैवी मतलब ये नहीं होगा, ब्लैक हेड वगैरह ये सब जो होते हैं वो सब नहीं होने का। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और आंवला है जो कि खास विटामिन सी होता है, इसमें आंवला विटामिन सी होता है, और जो खास होता है हेयर के लिए, जैसे आप लोगों को पता है जिस किसी के भी हेयर से प्रॉब्लम होती है तो उसको आंवला का रिकमेंड करते हैं, आंवला खाओ कच्चा, तो इसमें आंवला ही है। सो विटामिन सी होता है आंवला में जो कि हेयर ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। और एक है बैम्बू शॉट जो कि शाइनी हेयर के लिए है, जो कि आपके हेयर को लेंथ को ठीक करेगा, आपके हेयर को शाइनिंग कर देगा, ठीक है। बात कर ली हमने इसके किस चीज़ की चीज़ से बना है और किस किस चीज़ के लिए है। अब बात करते हैं इसको खाना कैसे है, ठीक है। 1 टेबल स्पून मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद, और 1 टेबल स्पून रात में जब आप खाना खा के सोने जाते हो उसके बाद, ठीक है। 2 बार खाना है इसको आपने दिन में अच्छे रिजल्ट के लिए। अब गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको लाइव खा के दिखाया, अब बात करते हैं ये बायोटिन किस किस को इनटेक करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ख़रीदना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग चाहो फटाक से खरीद सकते हो मेरे लिंक से जाके। और
अब बात करते हैं इस बायोटिन को किस किस लोगों को ख़रीदना चाहिए। जिन जिन लोगों के मतलब नेल्स में प्रॉब्लम है और हेयर मतलब हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए जिनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उनके लिए, और जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई सी रहती है ठीक है, वो लोग ये बायोटिन खरीद सकते हैं ठीक है, खरीद सकते हैं। और जिन जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो लोग बायोटिन मतलब लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं लेने को मना नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ इसी वीडियो में। आप लोग पैसे इनमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग अंडे खाओ, बनाना और मिल्क जिसे विटामिन सी होती है, आंवला वगैरह ऐसे ही खा सकते हो तुम लोग। इसमें बायोटिन की जो मात्रा होती है, विटामिन की मात्रा होती है, वो हाई पावर में होती है, जिससे आपको ये लोड मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस बायोटिन की ठीक है ना, अब ये खा सकते हो, जिससे आपको मतलब लाइफ आपकी मतलब जो हेयर की लाइफ है, स्किन वगैरह सब प्रॉपर तरीके सेट रहेंगे। मेरे को देख लो एक महीना हो गए लगाते हेयर, दे सकते हो आप लोग कितने शाइनिंग और कितने हेल्दी है तुम लोग दे सकते हो, तो उसी हिसाब से तुम भी रख सकते हो। और अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसा है क्या कुछ नहीं है, ये प्लांट बेस्ड है और नेचुरल प्रोडक्ट से बना गया है ठीक है। और इनका दावा है मेन जो है ना इनका सीन किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये उनका हेयर लॉस और स्किन के लिए है ठीक है, और नेल के लिए। सो आप खा सकते हो जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, अरे यार वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक आई थिंक हो जाएगी पूरी। और नेक्स्ट वीडियो में बाय।